राजस्थान की नई नवेली भजनलाल सरकार के कुनबे का आज विस्तार होने जा रहा है। नई मंत्रिमंडल में 20 से 25 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। राजभवन में दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री बनने वाले विधायकों का बेड़ा धीरे धीरे भाजपा कार्यालय की तरफ जुटने लगा है और उसके बाद सीधे राजभवन कूच करेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। आज का दिन राजस्थान के लिए खास है क्योंकि यहां की जनता जनार्दन की उम्मीदों को पंख लगाने, यहां के चहुं और विकास करने वाले राजकीय ढांचे के प्रमुखों का चयन होने वाला है, या यूं कहें कि चयन तो हो चुका है, बस नाम ही उजागर होने वाले हैं। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो 20 से 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। भजनलाल के मंत्रिमंडल में 15 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा 4 को राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है, स्वतंत्र प्रभार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 6 हैं उनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला जाए दिया जाएगा, सीधे राज्य मंत्री बनाया जाएगा। अनुभवी और नए विधायकों का मिला जुला स्वरूप इस भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई फेक लिस्ट भी वायरल हो रही हैं। बता दें कि ये जो फेक सूची के बाद कई विधायकों को फ़ोन पर शुभकामनाएं देने का भी सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया था। खैर, सबसे अहम बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में 2 से 4 सीनियर विधायकों को शामिल किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं नई सरकार के बेड़े में अनुशासन को तवज्जो देंगे। साथ ही जो उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जिन्हें गृह या चिकित्सा विभाग मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा दूसरा नाम है मदन दिलावर का। सांसदों से विधायक बने बालकनाथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी नए मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो जानकारी मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वसुंधरा राजे खेमे को भी खुश करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में उनके समर्थकों में से कैलाश वर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।